Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. जिस तरीके से एक बच्चे को A B C D आना चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए, सारे tables याद होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से एक engineer को ये चीज जुबान पर रटी होनी चाहिए. Nominal mix क्या होते हैं, design mix क्या होते हैं, nominal mix में जो measurement लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाता है, design mix में जो measurement लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाता है, nominal mix को हम कहाँ बना सकते हैं, design mix को हम कहाँ बना सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत ही important है हर एक engineer के लिए. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मैं पंकज मीना, एस्टीमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे. दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे कई इंजीनियर्स के जो बेसिक्स हैं वो हिले हुए हैं, अभी भी उनको चीज़ें क्लियर नहीं है. तो आज मैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसको हम बोल रहे हैं नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स. हम आज समझेंगे कि नॉमिनल मिक्स क्या होते हैं, हमारे डिजाइन मिक्स क्या होते हैं, तो यही सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज इसी वीडियो के अंदर. तो दोस्तों, आखिर तक के इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप सारी चीजें अच्छे से सीख पाएं. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी देरी के. तो दोस्तों, मिक्स के बारे में पढ़ने के पहले, समझने के पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे ये नॉमिनल मिक्स क्या-क्या होते हैं. सबसे पहले मैं बताता हूं नॉमिनल मिक्स के बारे में. तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कुछ रेशियो लिखे हुए हैं, यहां पर जो है ये रेशियो लिखे हुए हैं और ये मिक्स है. M20 तक के ये मिक्स लिखे हुए हैं, M5 से इनकी शुरुआत होती है. M5 में सबसे पहले हम समझते हैं ये M क्या है. M जो है ये बोल रहा है कि ये M क्या है, ये मिक्स है. ये मिक्स किस किस का है, ये जो है मिक्स है किसका, सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का. जैसे मैं M5 की अगर बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ है 1:5:10, मतलब कि एक पार्ट जो रहेगा वो किसका रहेगा, सीमेंट का, 5 पार्ट जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, सैंड के, और 10 पार्ट जो रहेंगे वो किसके, एग्रीगेट के. इन सारे पार्ट्स को जब हम अच्छे से मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, M5 का मिक्स मिलता है. इसमें जो 5 है, ये 5 जो है ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग. मतलब कि अगर मैं एक पार्ट मिलाऊं सीमेंट का, 5 पार्ट में मिलाऊं सैंड के और 10 पार्ट अगर मैं मिलाता हूं एग्रीगेट के, तो मेरे को जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 5 N/mm². उसी तरीके से M7.5 के लिए 1:4:8 है. इस ऐसे ही आगे कर करके M20 तक के जो मिक्स है, M20 का जो रेशियो है वो क्या हो गया, 1:1.5:3. इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि M5 से लेके M20 तक के जितने भी मिक्स हमारे होते हैं नॉमिनल मिक्स. ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे नॉमिनल मिक्स. और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनमें जो मेजरमेंट्स लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं क्या, वाई वॉल्यूम लिए जाते हैं. जैसे दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, जैसे कि यहां पर M15 है, इसमें रेशियो है 1:2:4. तो मैं अगर आपको अच्छे से समझाऊं, इसमें एक पार्ट जो डलेगा वो सीमेंट का डलेगा, 2 पार्ट जो डलेंगे वो किसके डलेंगे, सैंड के डलेंगे, और 4 पार्ट जो डलेंगे वो किसके डलेंगे, वो डलेंगे किसके, एग्रीगेट के. तो यहां पर 1:2:4 जो है ये नॉमिनल मिक्स के अंदर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तगाड़ी मैंने क्या डाल दिया, उसमें सीमेंट डाल दिया, 2 तगाड़ी मैंने क्या डाल दिया, उसमें सैंड डाल दिया, और 4 तगाड़ी मैंने क्या डाल दिया, उसमें एग्रीगेट डाल दिया. तो जब इस रेशियो के साथ, इस प्रोपोर्शन के साथ जब मैं कोई भी कंक्रीट को मिक्स करता हूं और मैं जब उसकी स्ट्रेंथ को 28 दिन बाद चेक करता हूं उसके क्यूब को, तो मेरे को क्या पता चलता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 15 N/mm² निकल के आएगी उसकी क्या, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगी. तो ये हमने जाना कि यहां पर M5 से लेकर के M20 तक के जितने भी मिक्स होते हैं इन सारे मिक्सेस को क्या कहा जाता है, नॉमिनल मिक्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है, नॉमिनल मिक्स कहा जाता है. और इंटरव्यू में पूछने वाली बात है यार, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन. डायरी निकालो, अभी आपकी नोटबुक निकालो और उस पर नोट करके रख लो, नोट करके रख लो. नॉमिनल मिक्स हमारे जितने भी मिक्स होंगे उनमें जो मेजरमेंट लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, बाय वॉल्यूम लिया जाता है. कैसे, बाय वॉल्यूम लिया जाएगा. उसमें 1 तगाड़ी जो है सीमेंट डलेगा, 2 तगाड़ी जो है सैंड डलेगा, और 4 तगाड़ी क्या डलेगा, एग्रीगेट डलेगा. और इसमें गेज बॉक्स भी होता है. गेज बॉक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है. अगर आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए कि गेज बॉक्स से इन सारे मेजरमेंट किस तरीके से लिए जाते हैं, तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मेरे को बताओ कि आप लोग उस वीडियो को चाहते हो. मैं आता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ने, और कमेंट के मुझे पता चलता है कि कौन सी टॉपिक के बारे में ज्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं. कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं गेज बॉक्स के बारे में वीडियो कब चाहिए आपको. आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ. सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी, एक खास ऑफर के साथ. पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट. अभी कॉल करिए 9111001234 पर. सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए. आपको
तो दोस्तों ये है नॉमिनल मिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो मेजरमेंट्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, बाय वॉल्यूम हो रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ M20 से ज़्यादा के जो मिक्स होते हैं, जैसे कि M25 हो गया, M30 हो गया, M40 हो गया, और भी बहुत सारे मिक्स हैं, ये जो मिक्स होते हैं इन मिक्स को क्या कहा जाता है, इन मिक्स को कहा जाता है डिजाइन मिक्स। जैसे इसका जो आप रेशियो देख रहे हो 1:1:2, इसमें क्या होगा, एक पार्ट जो रहेगा वो सीमेंट का रहेगा, एक पार्ट जो रहेगा वो सैंड का रहेगा, और दो पार्ट जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, एग्रीगेट के रहेंगे। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें जो मेजरमेंट्स लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, वाय वेट लिए जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि एक तगाड़ी लिया और डाल दिया, एक तगाड़ी लिया सैंड और डाल दिया, एक तगाड़ी सीमेंट डाल दिया, दो तगाड़ी एग्रीगेट डाल दिए, ऐसे नहीं होगा। इसमें बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप 10 किलो उसमें आप क्या डाल रहे हो, सीमेंट डाल रहे हो M20 के मिक्स के लिए, तो 10 किलो आपने कैलीपर पे आपके तराजू पे मेजर किया, मेजर करने के बाद में आपने उसको डाला अंदर, और फिर उसके बाद में जो वन पार्ट जो है वो सैंड का है, तो अगर आपने 10 किलो जो है सीमेंट लिए तो 10 किलो ही आपको क्या लेना पड़ेगा, सैंड लेना पड़ेगा। और दो पार्ट जैसे यहाँ पे लिखा है, तो 10 किलो का दुगना कितना हो गया, 20 kg हो गया, तो 20 kg आपको मेजर करके एग्रीगेट डालना होगा, और तब जाके जो रेशियो बनेगा, जो प्रोपोर्शन बनेगा उस क्यूब का, जब आप टेस्ट करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो कितनी आती है, 25 Nm/mm² उसकी क्या निकल के आती है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जाना कि नॉमिनल मिक्स जो होंगे वो M5 से लेकर M20 तक के मिक्स को क्या कहा जाता है, नॉमिनल मिक्स कहा जाता है, और M20 से ऊपर, M25 से ज़्यादा वाले जितने भी मिक्स होंगे उनको क्या कहेंगे, हम डिज़ाइन मिक्स कहेंगे। और यहाँ पर जो मेजरमेंट्स होते हैं, जितने भी नॉमिनल मिक्स रहेंगे उनमें, हमारे जो नॉमिनल मिक्स हैं उनमें जो मेजरमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वाय वॉल्यूम रहेंगे, और जितने भी हमारे डिज़ाइन मिक्स रहेंगे उनमें जो मेजरमेंट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वाय वेट रहेंगे। तो इसमें एक्यूरेसी क्या होता है, ज़्यादा आती है, और ये जो स्ट्रेंथ है ये भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको अचीव करने के लिए और मशक्कत करना होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, और इसके साथ में कुछ एडमिक्सचर्स भी डाले जाते हैं। और जो नॉमिनल मिक्स है इसको हमारे साइट पर ही बना लिया जाता है, वेजिंग मशीन में, मिक्सर मशीन में। लेकिन ये जो मिक्स है M25 हो गया, M30 हो गया, और भी बड़े बड़े जितने भी मिक्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इनको साइट पर ना बना के कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। जो हमारे RMC प्लांट्स आपने देखे होंगे, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट्स के जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेके पूरा बाय वेट कैलकुलेशन करके उनको क्या किया जाता है, वहाँ पर बनाया जाता है। और कई बार हम इसमें एडमिक्सचर्स को भी डालते हैं, एक्सेलेरेटर को डालते हैं, रिटार्डर को डालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इनकी स्ट्रेंथ को, हमारे जो कॉन्क्रीट है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कई सारे एडमिक्सचर्स को भी डाला जाता है, और इनको बनाया जाता है RMC प्लांट के अंदर, और RMC प्लांट से इनको पहुँचाया जाता है हमारी साइट पर, और साइट पर पहुँचने के बाद में हम इनको यूज़ में लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने आज सीखी वो ये सीखी कि नॉमिनल मिक्स जितने भी रहेंगे उनमें हम जो मेजरमेंट लेंगे वो वाय वॉल्यूम लेंगे, और जितने भी हमारे डिज़ाइन मिक्स रहेंगे उसमें जो हम मेजरमेंट लेंगे वो कैसे लेंगे, वाय वेट लेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया नॉमिनल मिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, डिज़ाइन मिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, नॉमिनल मिक्स में जो मेजरमेंट लेंगे वो किस तरीके से लेंगे, डिज़ाइन मिक्स में जो हम मेजरमेंट लेंगे वो किस तरीके से लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक का बटन जो आपको दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेज वाले वीडियोज लेकर के मैं आपके लिए रोजाना आता रहता हूं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।